टू माई चैनल शो मास्टर। आज मैं करणवीर के बारे में बात करना चाहता हूँ। करणवीर का गेम जैसे आया है, आने से पहला बहुत अच्छा गेम चल रहा था, अब जैसे आया उसके बाद गेम एकदम डल सा हो गया। शिवम शर्मा अब करणवीर से आगे जा रहा है वोटिंग के मामले में भी, तो करणवीर का आई डोंट नो उनके फैंस भी उनके हाथ छोड़ते हुए नजर आ रहे, क्योंकि जिस तरह से करणवीर पायल को सपोर्ट करने लगा वहीं पर पब्लिक का थोड़ा इम्प्रेशन डाउन हो गया करणवीर के लिए। पायल एक ऐसा बन गया, अगर पायल से जो भी दोस्ती करे तो उसका करियर खत्म समझ लेना। तो ये करणवीर ने बहुत गलत स्टेप उठाया। आज भी लाइफ में यही हम मैंने देखा, इसलिए मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। फिर से जाके पायल को क्या कि मैं सॉरी, मैं रात भर सोया नहीं, तुम्हें ये हालत में देखे मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे पायल जो करती है ना सबसे बुरा करती है, वो डिजर्व करती है सब चीज़ें लेने के लिए। अगर वो चीज़ें आजमा के साथ हों तो भी मैं छोड़ देता, नहीं आ जाने, लेकिन पायल के साथ होना तो ठीक ही हुआ है, कोई बुरा नहीं हुआ है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि करणवीर बैक ऑफ हो रहा है, सर गेम कुछ दिख नहीं रहा है। जाके वही पायल मंदना इन लोग से बात करता है, और पता नहीं अंजलि टीम में आने के बाद अंजलि से चिढ़ने लगा है करणवीर। क्यों पता नहीं करणवीर क्यों नहीं अंजलि को एक्सेप्ट कर रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो फिर शायद से करणवीर बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, नहीं तो मुझे यहाँ तक लगा था कि करणवीर वही सेम कर रहा है जो मनोहर चाहता है कि गेम है, गेम को जैसा देख रहा है। लेकिन करणवीर आप गेम को गेम के जैसा नहीं देख रहा है, करणवीर इसको पर्सनल लेवल पर देख रहा है, ऐसी फील हो रहा है, क्योंकि वो अंजलि को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं करणवीर के लिए बैकफुट है, क्योंकि उनका वोटिंग बहुत कम जा रहा है, कम नहीं आ रहा है, आ रहा काफ़ी ताकत में, लेकिन शिवम शर्मा को ज़्यादा आ रहा है। अब पता नहीं शायद से करणवीर के जो फैंस और शिवम शर्मा को ज़्यादा पसंद करने लग गया ऐसा कुछ है, क्योंकि शिवम शर्मा को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, और यहाँ पे करणवीर का थोड़ा और अब कम होते हुए नज़र आ रहा है शो के लिए, क्योंकि वैसे भी शो में वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है करणवीर। कुछ करना पड़ेगा करणवीर को आगे, शो जीतना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ऊपर आना पड़ेगा, बचा चार हफ्ते में धमाल मचाना ही पड़ेगा। अगर धमाल नहीं मचा पाया करणवीर तो मुझे नहीं लगता कि वो टॉप थ्री में जाएगा। फिर मुझे लगता है कि टॉप थ्री में मुनव्वर, अंजलि और शिवम शर्मा जाएगा। तो यही करणवीर के बारे में कहना है कि गेम तो लूज कर रहा है, साथ में पता नहीं वो पायल के साथ क्यों गुस्से हुआ है और क्यों मंदना के साथ गुस्सा है, सब कोई आइडिया नहीं है। अगर पायल के साथ कुछ होता है तो सपोर्ट करना चाहिए कुछ चीज़ों में, बाद में छोड़ देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से करणवीर सॉरी बोल रहा है पायल को, वहीं पे उसका गेम खत्म हो जाता है भाई। और भी अपडेट लाते रहने को जो मेरे चैनल नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।